बिनोमो में आपका स्वागत है। वित्तीय बाजारों में ट्रेड करें और अनुभव प्राप्त करें। $1,000 का मुफ्त डेमो खाता अभी आजमाएं। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। देश भर में आज दीपों और रोशनी का त्योहार दीपावली मनाया जा रहा है। आज ही के दिन महालक्ष्मी और गणेश जी का पूजन होता है। चारों तरफ उनके स्वागत के लिए दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। इस दिन लोग अपने घरों की सजावट भी करते हैं। दिवाली पर हम पूजा पाठ में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, फिर भी इस दिन हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है ताकि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और हम पर अपनी कृपा बनाए रखे। आइए जानते हैं कि दिवाली वाले दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दिवाली वाले दिन घर का हर कोना अच्छी तरह से जरूर साफ करें। ध्यान रहे कि कहीं भी गंदगी ना रह जाए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सफाई बेहद पसंद है। इस दिन नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहने, काले और नीले कपड़े पहनने से परहेज करें। माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करें और प्रेम से करें। भगवान को चढ़ावा चढ़ाएं। वैसे भी ईश्वर तो भक्तों की भक्ति और प्रेम को ही देखते हैं। माँ लक्ष्मी को आमतौर पर खीर का भोग लगाया जाता है और गणपति जी को मोदक का भोग लगता है। इस दिन गरीबों में दान करें, हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं। माँ लक्ष्मी को झाड़ू चढ़ाएं, कुमकुम से शुभ लाभ, स्वास्तिक और ओम के शुभ चिन्ह बनाएं और अपनों की खुशहाली के लिए माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश से प्रार्थना करें। दिवाली के दिन हमें शाम को झाड़ू बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। वैसे तो कभी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन दिवाली वाले दिन ऐसा बिल्कुल ना करें। स्त्रियों को कभी अपशब्द ना बोले, घर में भी उनका मान सम्मान करें। संध्या बेला में बिल्कुल ना सोएं। दिवाली पर खास कर इस बात का जरूर ध्यान रखें कि संध्या के समय भूलकर भी ना सोएं, इससे घर में दरिद्रता आती है। दिवाली के दिन शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन जुआ भी ना खेलें, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी दुखी हो जाती है। उस दिन घर का वातावरण बेहद ही खुशहाल होना चाहिए। आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। माता लक्ष्मी ऐसी जगह नहीं टिकती हैं जहां का माहौल सुखद ना हो। दिवाली वाले दिन अपने घर के हर एक कमरे में दीपक जरूर जलाएं। कुआं, हैंडपंप और पानी की टंकी के पास भी दीपक जलाएं, इससे माता प्रसन्न होती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।